भाई कितना कमाते हो फेसबुक से? भाई यूट्यूब से कुछ मिलता है क्या? भाई कुछ पैसे मिलते हैं या फ्री में काम करते हो? बताओ भाई। अरे बताना भाई, बताओ भाई। तो फाइनली इन सारे सवालों का आज जवाब मिल जाएगा आपको। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम लोग आपको ये बता देना चाहते हैं कि ये जो भी हम करने वाले हैं ये कोई दिखावे के लिए नहीं है, ये बस आप लोगों की जिद थी जिसको हम लोग पूरी कर रहे हैं। ये वीडियो उन लोगों के मुंह पे तमाचा है जिन्होंने हमें शुरुआत में रोका था और कहा था कि फेसबुक यूट्यूब में वीडियो बनाना टाइम वेस्ट के अलावा कुछ नहीं होता है। तो ये वीडियो देखने से पहले मैं आप सभी को वार्न कर देना चाहती हूँ कि ये मत सोच लेना कि सक्सेस रातों रात मिल जाएगी, क्योंकि भाई इसके पीछे मेरे 4 साल की मेहनत लगी है। तो गाइस थोड़ी देर में हम लोग रिवील करने वाले हैं कि पिछले महीने में हम लोग ने फेसबुक और यूट्यूब से कितना कमाया है। तो दोस्तों कुछ लोगों को डाउट होगा कि ये फेक है, तो हम बता देना चाहते हैं कि आज है January 2nd और बज रहे हैं अभी 2:10। तो गाइस आपको ले चलता हूँ अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और ये रहा क्रिएटर स्टूडियो का सेक्शन जहाँ पे हमारे सारे अर्निंग्स वगैरह अपडेट होते रहता है फेसबुक का, और ये रहा हमारा पेज सीडीडास। और मैं अभी पिछले 1 मंथ का डेटा सिलेक्ट करता हूँ। फाइनली ये रहा वो अमाउंट जो हमने पिछले महीने फेसबुक से कमाया है। अब मैं फेसबुक की कुछ पॉलिसी की वजह से अमाउंट मुंह से नहीं बोल सकता, आप कृपया इस डॉलर को कन्वर्ट करके रुपीस में चेक कर ले कि हमारा मंथली अर्निंग कितना था पिछले मंथ। और ये जो भी डाटा आपको दिखा रहा हूँ मैं, ये सिर्फ 1 महीने का है। तो ये जो हमने दिखाया ये तो सिर्फ फेसबुक का था। आप में से कुछ लोग पूछोगे कि यूट्यूब से कितना कमाते हो, तो गाइज मैं झूठ नहीं बोलूँगा, यूट्यूब में पैसा अगर आप नया स्टार्ट किए हो अपना चैनल वगैरह बिल्कुल नहीं होती। अभी हमारी हार्डली मैंने चेक किया था कि $80 या $90 बने हैं आज तक इतना मेहनत करके। तो मैं आप सबसे निवेदन करूँगा कि एक ही प्लेटफॉर्म में सीमित होकर ना रहे, क्योंकि अगर आपको आगे बढ़ना है तो फेसबुक में भी कंटेंट डालना स्टार्ट करिए, क्योंकि फेसबुक में ग्रोथ बहुत फास्ट होता है। और जब आपका फेसबुक में नाम हो जाएगा तो वहाँ के जो फॉलोअर्स आपको आएंगे फेसबुक में उनको बाद में यूट्यूब में रीडायरेक्ट कर सकते हो, तो वो बहुत अच्छा रहेगा। मेरा प्लान यही है कि मेरे अभी ऑलमोस्ट 45,000 फॉलोअर्स फेसबुक में क्रॉस हो चुके हैं। मैं 1 लाख होने के बाद उन आधे से ज़्यादाओं को तो मैं अपने YouTube में ट्रांसफ़र कर दूंगा सबको रिक्वेस्ट करके। तो फिलहाल Facebook में ध्यान दीजिए दोस्तों अगर आपको आगे बढ़ना है तो। मैं अपना आजकल YouTube के लिंक्स भी कहीं शेयर नहीं करता, क्योंकि जो खुद से आए व्यूज़ उतना ही इनफ है, क्योंकि मुझे पता है YouTube वायरल नहीं करेगा। जब तक आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ कंटेंट नहीं डालते हो YouTube आपकी वीडियो को वायरल नहीं करने वाला, जबकि Facebook में एवरेज वीडियो भी बहुत वायरल हो जाते हैं। और मैंने फिलहाल अपना ध्यान सिर्फ क्वालिटी में दिया है, क्योंकि फेसबुक यूट्यूब देखते हैं कि बंदे का वीडियो को कितने लोग देखते हैं। पहला जो 1 मिनट रहता है आपके वीडियो का वो पावरफुल होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपनी ओर खींच कर रखना चाहिए। तो लोग जो बेझिझक होकर इतने सारे वीडियोस डालते हैं वो उनके पेज को और उनके चैनल को नुकसान पहुँचाता है और कुछ फ़ायदा नहीं होता उससे, क्योंकि बोरिंग कंटेंट आप डालोगे, हर डे एक ब्लॉग आप डालोगे तो ऑडियंस उसको पसंद ना करके अगर स्किप कर दिया तो फेसबुक और यूट्यूब को लगता है कि इसके चैनल के इसके पेज के जो वीडियोस है उसमें दम नहीं है, बाद में वो चैनल और पेज को वो डेड कर देता है ताकि आपकी रीच कम हो जाए और लोगों को ना दिखे। तो ऐसी गलती कभी मत करो, फिलहाल सिर्फ क्वालिटी में ध्यान दो, भले ही आपके 1 महीने में 1 कंटेंट आए लेकिन वो पावरफुल जैसा है तो उससे आपको फायदा होगा। हमारा ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ आपको मोटिवेट करना था और कुछ भी नहीं। सो गाइस ये वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और उन लोगों तक जरूर पहुँचाइए जो लोग बोलते हैं कि फेसबुक और यूट्यूब में कोई भी करियर नहीं है, और उन लोगों को भी शेयर करें जो लोग फेसबुक यूट्यूब में वीडियो बनाना तो स्टार्ट कर देते हैं लेकिन जब व्यूज नहीं आता तो डीमोटिवेट होकर काम बंद कर देते हैं। बिल्कुल भी ये गलती कभी मत करना। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही, एंड आई गेस ये वीडियो आपको पसंद आएगा और थोड़ा सा भी अगर आप इससे मोटिवेट हुए हो तो प्लीज इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक सुनो सबकी, करो अपने दिल की। चड्डी खरीदने चलते हैं यार, बहुत पैसा आ गया है।